हेलो, वेलकम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर में बैलेंस शीट को किस प्रकार चेक किया जाता है। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर में किसी भी सॉफ्ट कंपनी को क्रिएट करते हैं और उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, वाउचर एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट कैसे दिखाया जाता है। गेटवे ऑफ टैली पर हम चलते हैं और यहाँ पर बैलेंस शीट ऑप्शन दिखाया जा रहा है। इसे क्लिक करेंगे और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैपिटल के अकाउंट के अंडर में हमने 40,000 रुपये की एंट्री की है। लोन लायबिलिटी के अकाउंट के अंडर में हमने 26,000 रुपये की एंट्री की है। टोटल हमारे पास कंपनी में 66,000 रुपये रखे हुए हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल लेजर, जो कि हमने किन किन व्यक्तियों से अमाउंट यहाँ पर लिया हुआ है। समानांतर इनके अमाउंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इन्हें चेक करें कि कौन सी एंट्री हमें यहाँ पर बैंक के अंडर में और कौन सी एंट्री हमें यहाँ पर चेक कैश के अंडर में आई है, यह भी हम यहाँ इंटर करके जान सकते हैं। विद डेट वाइज, किस डेट में हमने ये एंट्री की हुई है, तो हमें यहाँ पर यह अमाउंट देखने को मिल चुका है कि बैंक और कैश के रूप में हमें इसमें प्राप्त किया है ट्रांजेक्शन्स। स्केप करते हुए हम पीछे चलते हैं, तो इसी तरह आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर डायरेक्टली बी को भी प्रेस कर सकते हैं। हाईलाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और डाउन स्क्रॉल डाउन बटन से भी हम यहाँ पर जा सकते हैं और माउस से भी डायरेक्टली आप प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।